बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं थाईलैंड की स्कॉलरशिप के हवाले से। तो आपको बता दूं कि तमाम वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने बैचलर अपना कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए खुशखबरी है कि थाईलैंड के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर स्कॉलरशिप का आगाज हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है और उसके फॉर्म को कैसे अपलोड करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपको हम ऑनलाइन अप्लाई भी करके देंगे, बैंक को चलाना है तो भी पे करके देंगे, कोई डॉक्यूमेंट थीसिस करने हैं, कोई प्रिंट करना है, किसी जगह डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं या आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए, जॉब के लिए, किसी भी जगह आपको अप्लाई करवाना है, सीवी बनवाइए, डेटा एंट्री कोई रिलेटेड काम है, तो आप घर बैठे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल कर सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी शॉप, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली घर बैठे ही हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना है, ऑनलाइन हम आपका अप्लाई करेंगे। 03012027670 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल करके और विद मिनिमम कॉस्ट के साथ हमारी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पोस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है एकेडमिक 2022-23 के लिए HEC इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द पाकिस्तानी आजाद कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फॉर द स्कॉलरशिप। HEC ने जो है स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया 2023 के लिए, उसका स्कॉलरशिप और ऑफर फॉर द मास्टर प्रोग्राम। ये जो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है सिर्फ और सिर्फ मास्टर प्रोग्राम जिन लोगों ने अभी अपना MA MSc की है या मास्टर किया हुआ है या जिन लोगों ने अपना बैचलर प्रोग्राम किया हुआ है या जिन लोगों ने MSc की हुई है और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CGPA जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने, और उनके अभी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है और नेक्स्ट आगे वो MPhil करना चाह रहे हैं या MS प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ स्टडी अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और केमिकल साइंसेज, यहाँ पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है। लास्ट डेट जो है वो आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रेड पे मेंशन है 2022 है। और अप्लाई के लिए ये वेबसाइट आपने विजिट कर ली, अब हम चलते हैं गूगल पे। सिंपली आपने गूगल पे जाना, यहाँ पे सर्च करना HEC, ठीक है। HEC जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे CGI सर्च करेंगे, HEC CGI जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको वहां पे दिखाई है यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, रीड आउट करने के बाद यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बताया गया, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। आपने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड आउट करना है कि सबसे पहले पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है कि आपकी एज 1 अगस्त 2022 तक आपकी जो एज है वो 30 ईयर तक होनी चाहिए, इससे मैक्सिमम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो 16 साल आपके पास तालीम की डिग्री होनी चाहिए, MA MSc भी हो सकता है, बैचलर भी आपने किया। लाइक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने MA MSc किया होता है, जो लोग और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने बैचलर कंप्लीट किया होता है, तो आपको बता दूंगा आपके 6 ईयर ऑफ एजुकेशन होना मस्ट है। उसके बाद मिनिमम CGPA जो आपकी है वो 2.75 आपकी CGPA होनी चाहिए ताकि आप इसके अंदर अप्लाई कर सकें। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, साइंसेज के केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, और मेडिकल साइंसेज की बात की जाती है तो मेडिसिन, मेडिकल टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और फार्मेसी साइंसेज की बात की जा रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हैव एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी रिसर्च, कि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी रिसर्च के हवाले से। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव डेमोंस्ट्रेटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिवर्सिटी और प्रोफेबली सर्टिफिकेशन ऑफ 1 or 2 रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। या तो आपने एक यूनिवर्सिटी, अगर जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है उसके उससे आपको एक हमें मिलता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिलता है। आप अगर अपने एडमिशन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे जहां से आपने अपने BS कर रहे हैं या लास्ट सेमेस्टर आपका BS का चल रहा है और आप लास्ट सेमेस्टर पर, तो आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2.75 CGPA होना आपकी मस्ट है। लेकिन अभी हम लोगों ने अप्लाई करने, अगर 2 अगस्त 2022 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो देन आप तब तक वेट कर लें, आप अप्लाई कर लें तब तक वेट कर लें, ठीक है। तब उस टाइम आप उससे पहले पहले अप्लाई कर लें जब आपका रिजल्ट आ जाए, आपको पता चल जाए कि आपने क्या कुछ किया है, क्या गुलगुलाया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे आपको सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है कि आपने इंग्लिश, इसके लिए दो चीजें डिस्कस किया, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप अपने एग्जामिनेशन हेड या एडमिशन स्टाफ से कंसल्ट करेंगे, अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे, HOC HOD से, तो वो आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना के देंगे कि ही और शी हैज स्टडीड इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। उसके बाद उसके अंदर ये सारा कुछ मैटर किया जाता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि IELTS या TOEFL का टेस्ट दे देते हैं, उसी की बिना पे भी आपकी सिलेक्शन हो जा सकती है। अब फिफ्थ पॉइंट है कि एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सप्लेनिंग देयर इंटरेस्ट इन स्टडी।
अब बात की जाती है कि इंटरेस्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, वो कैसे बनाना है, वो कहां से डाउनलोड करना है या कैसे राइट करना है, तो आपको बता दूं कि क्यों लिया जाता है। तो इसमें खास और खास ये इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो करना है सारा कुछ, आपने इसमें बताना है कि आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड क्यों है, ये प्रोग्राम आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आप इसमें क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये फ्यूचर में आपको क्या प्रोग्राम देगा। आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मिल जाएंगे, आपको सैंपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब फील्ड ऑफ स्टडी क्या की जा रही है, अप्लाइड मेडिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, केमिकल साइंसेज। अब स्कॉलरशिप कवरेज, अवार्ड पीरियड, द स्कॉलरशिप विल कवर ट्यूशन फीस एंड अदर एकेडमिक फीस, क्रेडिट फी, लेबोरेटरी एक्सपेंस, रिफ्रेशर फी, कोर्स फी, एनरोलमेंट फी, थीसिस फी, प्रोडक्शन ऑफ थीसिस डॉक्यूमेंट्स, राउंड ट्रिप, एयरफेयर, वीजा फी, फर्स्ट सेटलमेंट अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस, एकोमोडेशन, मंथली स्टीमेंट, बुक अलाउंस, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट का बहुत ही क्वेश्चन अजीब होता है कि सर हमें क्या क्या कवर किया जाएगा, तो आपको बता दूं सारा कुछ आपका कवर किया जाएगा। आप इसको रीड आउट करें इस पैराग्राफ को, तो आपको सारा कुछ बता दिया गया है कि सेकंड लाइन के अंदर क्या 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 चीजें कवर की जा रही है। उसके बाद जब बात की जा रही है स्कॉलरशिप अवार्ड विल कवर 6 वीक रिफ्रेशर कोर्सेज एंड फॉलो बाय द पीरियड ऑफ 2 ईयर मास्टर डिग्री सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू ऑफ द स्कॉलरशिप सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। नोट, रिफ्रेशर विल टेंटिवली कॉमेंस इन जून 2023, विल एकेडमिक प्रोग्राम विल अनाउंस इन अगस्त, ठीक है। जो एकेडमिक प्रोग्राम होगा, जो आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा, वो 2023 के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद बात की जाती है कि सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर का, एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको ओपन कर लें, इसका प्रिंट ले लें। इसके एटलीस्ट आपके पास 3 प्रिंट होने चाहिए जब आपने फिलअप कर दें, एक दफा आप अगर पास मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उसको कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने अपनी तस्वीर लगानी है। उसके बाद आप कौन से फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं, आप किस फील्ड के अंदर लाइक करते हैं वो देख रहे हैं। उसके बाद आपने मिस्टर, आप लड़की अप्लाई कर रही है, लड़का कर रहा है, वो आप यहाँ पे चूज करें। फुली नेम अपना, फर्स्ट नेम, सेक्स आपका नहीं ऐड करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद कंट्री, आपने सारा कुछ फॉर्म को प्रॉपरली तरीके से, ईच एंड एवरीथिंग आप समझदार है माशाल्लाह, आप इसको प्रॉपरली तरीके से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे बात की जाए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्किंग वर्क होल्ड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेस कंटिन्यू सप्लीमेंट्री पेज ऑफ इफ नेसेसरी। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉग को जो फिलअप करेंगे, अगर आप ज्यादा टाइप करना चाहते हैं, ज्यादा रिटन फॉर्म में देना चाहते हैं, तो यू कैन यूज एन एक्स्ट्रा पेज टू राइट योर इंटरेस्ट ऑन दिस साइट। उसके बाद बात की जाती है कि प्लीज डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल यूज, आपने अगर कोई प्रैक्टिकल किया है, कोई आपको एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे वर्क एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर लैंग्वेज आप बताएंगे, अदर लैंग्वेजेस आपको बताएंगे, सारा कुछ टॉफर टेस्ट दिया या अगर कुछ आपने दिया तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अटैच करनी, सारा कुछ आपको बता दिया गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी एप्लीकेशन को फिलअप करके यहाँ पे बता दिया कि ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फॉरवर्ड टू द चिलबरन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एड्रेस बता दिया गया थाईलैंड, ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस में आपने फॉरवर्ड करना है। और यहाँ पे वेबसाइट में भी आप चले जाएंगे, इस वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आपको जो सारा कुछ अवेलेबल है, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ सके। इस ईमेल पे आपने एड्रेस को जो है वो सेंड कर देना है, ईमेल एड्रेस पे। अब उसके बाद बात की जा रही है कि नेक्स्ट सामने आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबसे पहले आपको बता दूं, अप्लाई मेडिकल स्टोरी, हिस्ट्री एंड रिपोर्ट फॉर्म यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपने मेडिकल रिपोर्ट भी अपनी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको मेडिकल रिपोर्ट की भी, ठीक है। आपने इस बात को भी नजर रखना है, ठीक है, और घबराना नहीं है आपने। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पे जैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ नॉमिनी, यहाँ पे सारा कुछ आपने मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने अटैच करनी है, आपने ये भी साथ बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बात आ जाती है, नेक्स्ट हम बात डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, एचएससी की वेबसाइट पे आपने अप्लाई ऑनलाइन करना। उससे पहले मैं अप्लाई ऑनलाइन जाने से पहले डॉक्यूमेंट डिटेल की बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स डिटेल की यहाँ पे बात की जाती है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के लिए। मोस्टली ये भी क्वेश्चन कहा जाता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि सर यहाँ पे बताएं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप यहाँ पे गूगल पे सर्च आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे टाइप करनी है, कैसे राइट करनी है और कौन कौन सी चेंजिंग उसके अंदर करनी है, या आप कॉपी भी करना चाहते हैं, या आप राइट नहीं करना चाहते, या किसी से लिखवाना चाहते हैं, या आप हमसे भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो हमसे भी लिखवा सकते हैं। आप रिसर्च प्रपोजल की बात की जाती है, रिसर्च प्रपोजल आपने लाइक एग्जाम्पल के प्रपोजल आपने टाइप करना, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपने कोई इंटर्नशिप की होगी या कोई थीसिस को लिखे होंगे या कुछ भी किया होगा आपने, तो आपने वो साथ मेंशन करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एकेडमिक और प्रोफेशनल। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी,
प्रेफरेबली आईएलटीएस और टॉफल अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो बेस्ट एनओसी फॉर एम्प्लॉयर, उसके बाद वन कॉपी ऑफ एचईसी फ्रॉम द सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग, ठीक है, वन कॉपी ऑफ एचईसी एप्लीकेशन, यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन फिलअप करेंगे उसके भी एक एचईसी की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया, हाउएवर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू एचईसी यू नीड नॉट टू सेंड द हार्ड कॉपीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड बाय द एचईसी फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली एट द लेटर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो डॉक्यूमेंट्स है तब आप अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त सेंड नहीं करने, ये तब आपको सेंड करें जब आप सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है देन आपको बुलाया जाएगा, देन आपको सारा कुछ करवाया जाएगा, ठीक है, आपने उस बात को मद्देनजर रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाती है, डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन इज 1st अगस्त, सॉरी टू से दैट 1st अगस्त 2022, उसको सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड आउटकम बाय द सीजेआई अराउंड 23। नो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मेंशन अबव द रिटर्न वेदर द एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल नॉट। उसके बाद यहाँ पे एचईसी विल शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाईएस्ट एकेडमिक मेरिट, टेस्ट इंटरव्यू एंड नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप स्लॉट्स अलॉटेड इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसके बाद ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, सेव्ड इन कंप्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, द रिकमेंडेशन नॉमिनेटिंग एजेंसी एचईसी विल फाइनलाइज एंड बाइंडिंग। उसके बाद प्लीज नोट दैट एचईसी फैसिलिटेशन रोल इज नॉमिनेशन प्रोसेस एज फाइनल सिलेक्शन विल वेट बाय द डोनर कंट्री एजेंसी एंड एचईसी विल हैव नो फाइनेंशियल अबिलिटी रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप। एचईसी ये आपको फैसिलिटेट नहीं करेगी, ये जो डोनर कंट्री है लाइक जो हमारा है थाईलैंड है, थाईलैंड हमें ये सपोर्ट करेगा, सारा कुछ थाईलैंड ही करेगा, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन केस ऑफ फाइनल अवार्ड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एबल टू विदड्रॉ, अदरवाइज एचईसी यू रिवर्स द राइट टू पुट देयर पेनल्टी इंक्लूडिंग द इंपोज ऑफ बैन ऑफ फ्यूचर स्कॉलरशिप अवार्ड। इन केस ऑफ फाइनल अवार्ड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू विदड्रॉ। अब बाज बात कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, हमने जाना ही नहीं है, तो आपको बता दूं कि एचईसी के पास राइट इस चीज का है, तो आपके ऊपर पेनल्टी ऐड कर सकती है, वो आपके ऊपर केस कर सकती है कि आप उसकी स्कॉलरशिप रिवार्ड है उसके पैसे अदा करें, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे बात की जाती है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करें तो आपने क्या करना है, ये फॉर्म फिल करके उसको भी सेंड करना है, उसके साथ साथ सबसे पहले आपने क्या करना है एचईसी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। अब एचईसी की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर है तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नेम, अपना लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अपना सीएनएससी नंबर, यहाँ पे सेल फोन। अब कुछ लोगों के पास ये ईमेल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, लेकिन फिर भी हम पंगे लेने से बाज नहीं आते, तो आपको बताता चलूंगा आपने पंगे इस बात से नहीं लेना, इस काम से कोई पंगा शंगा नहीं लेना। अगर आपका पासवर्ड आपको पता जुट सके अदरवाइज आप हमसे कंसल्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको हम हेल्प आउट करेंगे, आपको जो है स्कॉलरशिप के मामले में प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने 3110149820965 उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने मेरा पासवर्ड जो है वो लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पोर्टल जो है सबसे पहले आपको पता चल चुका होगा मैंने आरडी के यहाँ पे यहीं पे एप्लीकेशन सबमिट की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आगे मेरा ये तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडअप करता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडअप करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडअप करता हूँ, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एड करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एड करता हूँ, सारा कुछ ऐड करने के बाद वो चीजें आपने ऐड करनी है जो आपके पास यूज में हो। अब यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल आ जाती है, यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एडअप करनी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एडअप करनी है, तो आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एडअप करनी है वो आपको बताता चलूँ कि आपने जो 2000 आपने मैट्रिक एफएससी और देन बैचलर बीए बीएससी किया तो इस हिसाब से कर रहे हैं, ये नहीं कि आप कोई और ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हैं या कोई और डाटा ऐड कर रहे हैं या कोई और गलत चीजें ऐड कर रहे हैं, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं चीजें ऐड कर दी, किसी की प्रोफाइल है, किसी का सारा कुछ अकाउंट है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने अपलोड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयमेंट अगर आप करना चाहते तो ऐड एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लीव आउट करें। यहाँ पे आप बात आती है कि हमारे सामने लर्निंग अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग अब्रॉड अपॉर्चुनिटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप आ जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो स्कॉलरशिप जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके सामने, यहाँ पे अप्लाइंग फॉर मास्टर प्रोग्राम, यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे जो स्कॉलरशिप ऑफर की है वो सिर्फ और मास्टर प्रोग्राम के लिए की है,
तो आपने बैचलर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक नहीं करना। अब मेरा प्रोग्राम जो है इसमें डिसिप्लिन जो मेरा बन रहा है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एग्जाम्पल के तौर पर मेरा बन रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप जो ऑफर की जा रही है वो कुछ सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स के लिए ऑफर की जा रही है, हर प्रोग्राम के लिए ऑफर नहीं की जा रहे। अब यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर, आप सब्जेक्ट के ऊपर सजेस्ट करता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। इसके ऊपर देखने इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाता है मेरा, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एमबीए के अंदर मैंने करना है तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप सारे चेकअप क्लिक करेंगे, जैसे चेक क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट पे क्लिक, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, वो कहते हैं प्लीज इंटर द करेक्ट डिसिप्लिन। अब करेक्ट डिसिप्लिन के हवाले से बात की जाती है क्योंकि मेरा जो डिसिप्लिन है वो मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, जो स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज के ऑफर अंदर की जा रही है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जो भी है मैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करता हूँ या अप्लाइड बायोलॉजी की बात करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन एडअप कर रहा हूँ या एग्जाम्पल के तौर पर जो भी चीजें एडअप कर रहा हूँ तो वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने इस बात को मद्देनजर रखना है, जिस सब्जेक्ट के अंदर स्कॉलरशिप है उसी के अंदर ही आपने अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट डिसिप्लिन। अब हमें करेक्ट डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, डिसिप्लिन हमारा मेडिकल साइंसेज है, यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि एनवायरमेंटल साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज या एनवायरमेंटल हेल्थ आ जाता है, तो हम इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट टू बी स्टडीड एनवायरमेंटल हेल्थ बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है हमारी नीचे आ जाए, थोड़ा सा बॉटम पे आ जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए, जिस प्रोग्राम के अंदर आपको ऑफर की जा रही है आपने उसी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जो भी हमारे सामने आ जाता है तो आप इस बात को मद्देनजर रखना है, ठीक है, आपने इस बात को लाजमी देखना है, ठीक है। और आई होप के आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे एनवायरमेंटल टॉक्सिकिटी इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी आई होप के एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद घबराने क्योंकि मैं सब्जेक्ट तो थोड़ा सा रूम चूज कर रहा हूँ, तो आपने एप्लीकेशन क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड डाटा एंटर किया है वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एडअप की है, एजुकेशन की वो मेरी बीबीए की है, ठीक है, मैंने बिजनेस किया हुआ है तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन एडअप कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप सारा कुछ एडअप प्रॉपरली करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन श्योर के सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द डोनर एजेंसी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। उसके बाद आई एम नॉट अवेलिंग द एचसी, कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहा। आई हैव ऑब्टेन आईबीपीसी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स फॉर माय ओएल लेवल। अगर जिन लोगों ने ओएल लेवल किया हो तो वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आफ्टर सबमिटिंग आई होप कि आपके पास एक एप्लीकेशन आई है, उसने आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करना है। एग्जाम्पल तौर पर डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे सामने एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर यहाँ पे देखें, ये एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाती है, टोटली एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए आपके सामने तो आपने क्या करना है कि इस जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसके साथ आपने क्या करना है, इसको सेंड आउट कर देना है, इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स इसको फिलअप करके और वो जो स्कॉलरशिप है वो आपने फिलअप करके सारा कुछ इसको ओके कर देना है। आई होप ये इतनी लंबी डिटेल में अभी तक किसी ने वीडियो बताई नहीं होगी, अगर किसी ने बताई है तो प्लीज़ देखें उस बात को भी और हमें भी कंसल्ट करें। आई होप तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक प्रोवाइड की, अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जजाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।